बहुत पुराना रिलेशन है, 2007 से ही रिलेशन बहुत अच्छा है और बहुत दिन हुए मिल नहीं पाया। तो आगे जब मैं अनशन में था उस समय जोन भाई आया था मेरा हाल खबर पूछने के लिए और उसी टाइम में बोला था कि एक बार हमारा घर पे आइए, बहुत दिन हो गया आराम से बात करने के लिए, मतलब समय नहीं मिला। भाजपा से ऐसा अभी मत जाए, नेता से ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये अभी हम लोग का एक घरेलू है जो उसका और हमारा रिलेशन है, जोन क्या था और मैं क्या था और अभी क्या है उसमें सब हम दोनों का एक जो है ना योगदान। आदिवासी गोरखा का मिलन के लिए हम दोनों ने इतना कसरत किया, तो अभी हम लोग एक राजनीतिक हिसाब से नहीं, एक हम लोग घरेलू हिसाब से हम लोग आए हूँ। पंचायत इलेक्शन का बात मैं अभी बोलने के लिए नहीं आया हूँ और पंचायत इलेक्शन जब डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में हम लोग सोचेंगे, उसके बाद में सोचेंगे। हमारा है, आगे भी था, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक रहूँगा। यूटी को लेकर क्या सोच? देखिए यूटी गोरखालैंड कुछ भी हो है ना, जो यहाँ का आदिवासी राजवंशी बिहारी बंगाली मारवाड़ी गोरखा सभी का भलाई हो उसके लिए सभी मिलकर काम करना चाहिए। अभी का सिचुएशन क्या है, भारत सरकार क्या सोच रहा है और बंगाल सरकार क्या सोच रहा है उसका मन का बात है, लेकिन हमारा इच्छा आकांक्षा ही की है कि हमारा इतना बरस से हम लोग इसके लिए काम कर रहा हूँ, इसको सहानुभूति अनुसार इसको समाधान करें, सरकार को ये अपील कर रहा हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं कि यूटी हो या गोरखालैंड? देखिए अभी यूटी या गोरखालैंड का बात नहीं आते हैं, हमारा जो भी डिमांड है उसके लिए हम लोग, कल भी हमारा सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मुलाकात हुआ, मैंने यही बात रखा 2015 में आप आए थे अप्रैल 14-15 में, तो आप ही ने खुद ही बोला था कि वो सेमिनार में कि गोरखालैंड के बारे में, तो इतना बरस हम लोग आपका जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ कुलपी में, तो आज हम लोग एक आपको अवेयरनेस करने के लिए जो हमारा मुद्दा के लिए आप बोला था और क्या है कैसा है स्थिति हम लोग जानने के लिए आप आए हो, यही बोला। अभी हम लोग यहाँ पर भी यही है हमारा घरेलू स्थिति, लेकिन हमारा पंचायत का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन है अभी हम लोग का ये विषय अभी ये ने आगे ही बोला था, बीरपड़ा का प्रागण में आखिर में बोला था पॉलिटिकल समाधान करूँगा, परमानेंट पॉलिटिकल समाधान, और पहाड़ तराई डुअर्स गोरखा आदिवासी राजवंशी सब बोला था। तो हम लोग यही चाहता हूँ कि भारत सरकार का नीति निर्धारण क्या है उसके लिए अभी भारत सरकार को काम करना चाहिए, ऐसा ही पॉलिटिकल समाधान के लिए बंगाल सरकार को बोला था हमने कि पॉलिटिकल समाधान आपका क्या है इसके लिए आप लोग भी काम करना चाहिए। तो बंगाल सरकार क्या आपने जो डिमांड रखे जब हम लोग आए थे उस टाइम में तेर कटपुरा बात किया था कि आपको पॉलिटिकल समाधान करना होगा और पॉलिटिकल समाधान के लिए आप लोग काम करना, तो इसमें हम लोग सहमति हो गई है, लेकिन अभी पॉलिटिकल समाधान नहीं, इसलिए मैं अनशन भी बैठना पड़ा। तो पॉलिटिक्स में ऐसा देखा मैंने राजनीति में, तो थोड़ा वो देखा संग संग में पार्टी का लीडर का साथ एक बात होती है लेकिन दूसरा का साथ बात और होती है, लेकिन समय तो आएगा, दिन आएगा, इलेक्शन आएगा, विभिन्न राजनीतिक माहौल आएगा, उस समय में सब तब पूछते हैं ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाला दिन में हम लोग चाहता हूँ कि एक अच्छा भारत सरकार सोचे और बंगाल सरकार सोचे यहाँ का स्थिति परिस्थिति, यहाँ का कमान का परिस्थिति क्या है, अभी मिनिमम वेजेस लागू नहीं है, अभी इतना डिप्राइव हो रहा है सामान का स्थिति, अभी कमन कितना कमन बंद हो रहा है, अभी इसके लिए भी सोचना पड़ेगा ना, सिर्फ हम लोग एक पति बना के बेच के इसका सहूलियत कमान का श्रमिक लोग को देते, ये तो नहीं, एक पॉलिटिकल इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए, इसका जो मिनिमम वेजेस लागू इसका करना चाहिए, और संग संग में अभी प्रजापट्टा का विषय, ये भी प्रजापट्टा उसका जितना भी अपना लैंड है अपना
जगह है, ज़मीन है, उसका बारी है, साग रोपने वाला बारी है, धान रोपने वाला बारी है, अलैची रोपने वाला बारी, अपना जो एरिया है, जब उसने अभी सैकड़ों वर्ष से वो अपना काम करते हुए आए। अच्छा विमल जी, जो 15% लैंड टी टूरिज्म को अभी दे रहा है, तो हम लोग चाहता हूँ कि उसका योगदान क्या है, वो लोग का योगदान क्या है, जिस योगदान कमान का एक एक मजदूर लोग इतना मेहनत परिश्रम करके अभी सरकार को यहाँ रेवेन्यू दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और वो लोग का नाम में उसका जितना भी जगह है, ज़मीन है, उसको क्यों नहीं दे रहा, जैसा टी टूरिज्म में दे रहा है, तो ऐसा ही कमान का श्रमिक लोग को भी देना चाहिए, पूरा उसका हक में है, जितना उसका अधिकार में है उसको देना चाहिए, सिर्फ घर का घर ही नहीं। सर्वप्रथम उन्होंने जब 2007 में आंदोलन किया तो उन्होंने आदिवासी को जगाया, उन्हीं के आंदोलन से हम आदिवासी जब जागे हैं। मैं उनको पहले इस के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आज वो अगर आंदोलन नहीं करते अपना मुद्दा को लेके तो हम शायद इधर नहीं जागते, तो उन्होंने आँख खोल दिया और हमें आदिवासी को एकता होने के लिए ये मौका हमें दिया। तो आज पहली बार मेरा निवास में आया, मैं उनको मेरे हार्दिक दिलों से मैं उनको स्वागत करता हूँ, और काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि हम मिले, घर में आए, क्योंकि उनका आशीर्वाद से मुझे 2019 में टिकट भी मिला, और उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने गांव गांव गली गले में कैंपेनिंग किया मेरे लिए, और मेरे लिए टिकट के लिए भी सेंट्रल से बात करके उन्होंने दिलाया, आज उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आज इस जगह तक हूँ। और जब हम जिस समय हम लोग दोस्ती किए है ना, जिस प्रकार से गोरखा आदिवासी में जिस प्रकार से विभ्रांत था, विभिन्न पार्टी हमें एक दूसरा नज़र से देखते थे, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिले और आगे का हम आदिवासी गोरखा और इसमें जितना भी राबा टोटो में बिहारी मड़वारी बंगाली जितना सब है कि हम इस क्षेत्र में शांति लाएं, तो हमने शांति दोनों भाई मिल के हम लोग शांति लाया, आज हम लोग शांति का ज़िंदगी जी रहे हैं। और रहा बात है कुछ कुछ अपना अपना मुद्दा है ना, और ये पहली बार है मेरा घर में आया है, और जब मैं जीता एमपी जीता उसके बाद मंत्री बना तो कभी भी मैं उनको दावत नहीं दिया था, तो आज इसी खाने पे उनके बुलाया था, होली का मौका भी ये था, त्यौहार था, तो हम होली के पहले बुलाया था लेकिन वो दिल्ली चले गए थे तो इसीलिए नहीं मिल पाया, तो आज आए तो ये मेरे लिए है ना, और यहाँ के लोग देखना भी चाहते थे क्योंकि यहाँ पर 50% गोरखा समाज के भाई बहन हैं, तो चाहते थे एक बार यहाँ का जितने भाई सब माँ बहन चाहते थे कि एक बार देखे हम लोग विमल जी को पास से, हमारा गोरखा लीडर हिसाब से, तो इसीलिए आए, आज हमें आशीर्वाद बीते दिन मिला और आने वाला दिन भी हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। और 2013 में भी हम लोग साथ में उन्हीं के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और हमारे आदिवासी समाज मिलके हम लोग 208 पंचायत मेंबर जीते थे, तो एकता और शांति माहौल उस समय पैदा हुआ और आज का दिन में शांति है, और आज का दिन में हम लोग बस एक मित्रता है, दोस्ती है, इसीलिए हम बस आज मिलन हुआ। जोन जी विमल गुरु, देखिए हमारे प्रधानमंत्री बीरपड़ा में भी बोल के गया है, गोरखा का सपना मेरा सपना, ये बात बोले थे, और ज़रूर एक है ना मोदी जी कहते हैं जो वो पूरा करते हैं, वो उनका जो भी डिमांड है चाहे PPS है जो भी है, तो उनका ज़रूर एक दिन ना एक दिन समस्या का समाधान होगा, मुझे विश्वास है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ऑलरेडी हमें इससे पहले भी हमारे होम मिनिस्टर के साथ बैठा था और पूरा गोरखा समाज के लीडर सब बैठा था, तो कहीं पर पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले इसके लेके भारत सरकार हमेशा वार्तालाप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए, ऐसे बात नहीं है, हम लोग बैठ के बातचीत करके कैसे इसका
समस्या का समाधान निकालेगा। बार बार हम लोग बैठ रहे हैं और बार बार हमारे पार्लियामेंट में भी ये बात उठ रहा है कि जल्दी से जल्दी गोरखा का जो समस्या है पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, ये आज नहीं तो कल जरूर इसका समस्या का समाधान होगा। ना राज्य सरकार का है, ये केंद्र सरकार का हाथ में है। ये क्या बनेगा नहीं बनेगा और नॉर्थ बनने के लिए क्या सोच रहा है ना, राज्य क्या सोच रहा है और केंद्र क्या सोच रहा है, ये हम नहीं बोल पाते हैं। आने वाला दिन आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हो, किस तरह नॉर्थ बंगाल और पूरा पश्चिम बंगाल को किस तरह शांति वातावरण लाएगा। आज का दिन में पश्चिम बंगाल शांति नहीं है, हम लोग शांति से ज़िंदगी जीना चाहता है। तो केंद्र सरकार का पास तो ये संदेश तो पहुंचा है, जरूर केंद्र सरकार कुछ सोच रहा है कि किस तरह वेस्ट बंगाल को शांति किया जाए। शांति कब होता है, लोगों का शांति कब होता है, जब विकास जितना सारा योजना है वो घर घर तक पहुंचेगा तो जरूर हमारे पश्चिम बंगाल का शांति होगा। अच्छा जॉन जी, सारा बिक पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार का कोई भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य सरकार कभी भी हर समय राज्य सरकार झगड़ा करते रहती है। तो झगड़ा ना करके मेरा राज्य सरकार से यही विनती है कि केंद्र सरकार से अगर सच में आप जनता के लिए उन्नति करना चाहता है, वो गोरखा का गोरखा समाज का उन्नति चाहते हैं, बंगाली बिहारी मड़वारी राजवंशी कोचो मेचे जितना भी है ना कांतेवपुरी, इनका समस्या का समाधान करना है तो केंद्र के साथ में बैठ के बातचीत करके एक टेबल टॉक करके डायलॉग करके इनका समस्या समाधान होना चाहिए। अब दूर दूर भागिएगा तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। ये टेबल में बैठे इतना सारा आप मेरा पास धरना दे रहे हैं, काफ़ी इससे पहले एक सप्ताह का धरना आई, कल परसों छः, ये आप टेबल में बैठिए ना, हम लोग तैयार हैं, हम लोग हैं केंद्र सरकार तैयार है राज्य सरकार से बैठ के ये सारा समस्या का समाधान करने का। आप टेबल में नहीं बैठोगे, धरना में दोगे, धरना से समस्या का समाधान नहीं होगा। दीदी खुद बोलती है हम धारणा नहीं करते, हम बैठना चाहते हैं, तो बैठिए ना, बैठिए के समाधान कीजिए। हम लोग राज्य सरकार में इसे बौसले ही समाधान बाहर, ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये अलग 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 क्यों हो रहा है? अरे आपका दायित्व है, आप गार्जियन है, राज्य का गार्जियन कौन है? मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री को बैठ के केंद्र के साथ बैठ के सारा समुदाय का समस्या का समाधान करना चाहिए। इसका क्या समाधान समय बताएगा, क्या होगा नहीं होगा ये हमारा हाथ में नहीं है, क्योंकि तीन पड़ोसी देश से आपको मिल जाएगा जरूर। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को शांति वातावरण और विकास के ओर ले जाने के लिए हमारे शीर्ष नेत्री सब चिंता भावना कर रहे हैं। यहाँ पर शांति एक दिन ना एक दिन होगा।